नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में गुरुवार शाम हिंसा भड़क गई। बता दें, गुरुवार दोपहर 2 बजे 600 से ज्यादा पुलिस वाले वन भूलपुरा थाने पर इकट्ठा हुए। वहीं शहर के मलिक का बगीचा में स्थित अवैध मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और पुलिसकर्मी आगे बढ़े। उसी दौरान शाम 4 बजे इलाके के स्थानीय लोगों ने पुलिस पर 3 तरफ से पत्थरबाजी और हमला कर दिया। वहीं पुलिसकर्मी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हर गली और हर छत के ऊपर से पत्थरों की बौछार पुलिस के ऊपर की गई। अवैध मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने पहुंची पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों और उपद्रवियों के पत्थरबाजी का शिकार हो गए। इस दौरान जबरदस्त आगजनी हुई। वहीं वनभूलपुरा थाने को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने इलाके में खड़ी पुलिस की और प्राइवेट गाड़ियों में आग लगा दी और इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा चारों ओर से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित 200 लोग जख्मी हो गए। हिंसा में पत्रकार और नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए हैं और हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से शांति की अपील की गई है। वहीं गुरुवार को पुलिस फोर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कानून को अगर हाथ में लेता है और उपद्रव्य करता है तो उसको गोली मार दी जाए। हिंसा भड़कने के बाद पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों का डटकर सामना किया, मगर सैकड़ों की संख्या में जुटे उपद्रवियों ने ताबड़तोड़ पथराव कर थाने पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, पेट्रोल बम से हमला कर थाना जला डाला। वहीं थाने की दीवार तोड़कर उपद्रवी अंदर घुसे और एसओ का दफ्तर फूंकने का प्रयास किया। थाने के अंदर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उपद्रवी घुस गए। वहीं थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के कार्यालय में ताबड़तोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया गया। थाने में घुसे उपद्रवियों के हाथों में पेट्रोल से भरी बोतल तक थी। वहीं उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस व पीसी की गाड़ियां और बाइक फूंक दी। 20 से ज्यादा बाइकों में आग लगा दी गई। थाने के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ की गई और आग लगा दी गई। पुलिस अधीक्षक हरीश चंद्र वर्मा सहित 40 जवान थाने में ही फंस गए थे और इनमें ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी थाने में फंस गई थी। थाने पर हमले के वक्त महिला सिपाही घटना की जानकारी वायरलेस सेट पर उच्च अधिकारियों को दे रही थी। वह कहती हैं कि सर हमें बचा लो, और इसी बीच अचानक लाइन कट गई और इसके साथ ही उपद्रवियों ने पुलिस और प्रेस लिखी बाइकों को भी तोड़ा और आग लगा दी। वहीं बताते चले कि वनभूलपुरा में करीब 7 से अधिक मीडिया कर्मियों की बाइक फूंक दी गई।